We are starting off with something called turning effect of forces. अच्छा भाई देखिए, जब आप फोर्सेस की बात करते हैं ना, तो उसको समझने के लिए हमने डिफरेंट अप्रोचेस लगाई थी और हमने कहा था कि भाई एक तो कॉन्सेप्ट था इट इज अ पुश और अ पुल, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था कि भाई इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तमाम चीजें हमने फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज की थी। अब हम बात कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रॉड ओवर हियर विद मी, सी, एंड आई हैव पिवटेड दिस रॉड अबाउट अ सर्टेन पॉइंट। सी, पिवट का मतलब क्या होता है? पिवट इज अ जॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन अलाउ होती है। दिस थिंग, दिस एरिया इज कॉल्ड अ पिवट। अगर आप पिवट को डिफाइन करते हो, इट्स अ पॉइंट a joint about which only rotation is allowed. See, एक ऐसा joint जहां से आप से rotate कर सकते हो। So this rod has the capability of moving in a circle about this point. इसके अंदर ही कैपेबिलिटी है कि वो इस पॉइंट के अबाउट सर्कल के अंदर मूव कर सकती। अब इफ दिस थिंग कैन एक्चुअली रोटेट अबाउट अ पॉइंट इन अ सर्कल, ठीक है, वो क्यों कर रहा होगा? क्योंकि व्हेन यू विल बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस, दिस फोर्स ये उठाने की कोशिश तो करेगा इस रॉड को, लेकिन क्योंकि ये रॉड यहाँ से पिवट हुई हुई थी कि सिर्फ रोटेशन अलाउ हो रही थी, ये ट्रांसलेट करके पूरी की पूरी चीज, ऐसा नहीं हो सकता ये पूरी चीज उठ के चली जाए, सी दैट वॉज इन पॉसिबल। तो हुआ ये कि इवेंचुअली दिस एंटायर थिंग बिगिन टू रोटेट, इट बिगिन्स टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट जिसको आपने पिवट कहा। इस रोटेशनल इफेक्ट को आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते, जिसको दूसरे टर्म्स में मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे आपसे बोलते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, या एग्जामिनर कभी मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड आपको यूज करवाता, उसको इस तरह से एक स्टाइलिश से टी की फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप इसको लिखते हैं इस तरीके से, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इससे पहले आपने जितने चैप्टर्स में बातें की थी उन तमाम के अंदर ऑल वी टॉक्ड अबाउट वाज ट्रांसलेशन, वी नेवर टॉक्ड अबाउट रोटेशन ऑफ एनीथिंग। हमने कभी भी ये बात नहीं की थी फोर्स की वजह से चीज रोटेट करना शुरू हो जाए, हम सिर्फ ट्रांसलेट करवाते थे उसको, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ वापस आ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है, ना जाने क्या क्या देख लिया था। अब लाजमी बात है, जब आपको ये समझ में आया कि मोमेंट ऑफ फोर्स को अक्सर आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हो, इसको कैलकुलेट करने का भी रास्ता होना चाहिए कि भाई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना प्रोड्यूस हो। टॉर्क इज अनदर नेम ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरे बच्चे, यू कॉल इट मोमेंट, यू कॉल इट टॉर्क, वो लेवल्स में टॉर्क एंड मोमेंट आर द सेम थिंग, इसीलिए आप टॉर्क के लिए भी यही सिंबल यूज करते। मैं ये, चलो अच्छी बात है तुमने हाईलाइट कर दिया, मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसको आप टॉर्क भी कह सकते, ठीक है सर, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि भाई मेरा टर्निंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिफाइन होता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो मैंने उल्टा डी बनाया है ना,
एक रिवर्स में टी बना के साथ में उसने डी लिखा है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट ऑपोजिट टी इज एक्चुअली अ सिंबल के बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद वन अनदर। दिस ऑपोजिट टी दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर इट्स शोइंग कि भाई बोथ दीज क्वांटिटीज आर एट 90 डिग्रीज टू वन अनदर। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो ना, मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉर्क जिसे आप कह रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से भाई? फ्रॉम पिवट, और कहां तक? टू द लाइन ऑफ फोर्स। वो जो फोर्स आपने बनाई थी उसके एरो तक। सी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स, यानी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड दिस डी। तो आप अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो आपकी इक्वेशन ऐसे हो सकती है, मोमेंट या टॉर्क इज एफ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसमें से टी इज मोमेंट, दिस एफ इज फोर्स एंड दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैं थोड़ी सी एक और क्लैरिटी चाहूंगा कि आपको करवा दूं कि भाई इवन इफ द रॉड वुड हैव बीन लाइक दिस, एंड दिस वाज योर पिवट एंड द फोर्स अप्लाइड वाज इन दिस मैनर, ये फोर्स लग रही थी और मुझे टॉर्क निकालना होता है इसका, सही? तो मैं इस फोर्स को इस बार रॉड की लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि इस बार द लेंथ ऑफ द रॉड एंड द फोर्स आर नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90, बल्कि कुछ और एंगल है। टॉर्क निकालने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास जो फोर्स हो वो आपके डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं आर्टिफिशियली अपने फोर्स के एरो की लेंथ बढ़ाऊंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये होगा। ये चीज आपको कैलकुलेट करने को नहीं आएगी बेटा, सही? आपको ये चीज हो सकता है एग्जामिनर एमसीक्यू में दे दे और डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करके देगा इस तरह से। ये हो सकता है एमसीक्यूज में दे दे और आपको बोले भाई मुझे बताओ कौन सा डिस्टेंस आप यूज करोगे फोर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो रॉड की लेंथ को ना इस्तेमाल कर लेना इस बार, ऑल्दो रॉड की लेंथ पिछले केस में इस्तेमाल हुई थी, सही? लेकिन द लेंथ ऑफ द रॉड इज नॉट यूजफुल इन दिस केस। इसी तरीके से अगर इसको एक और मैं आपके सामने पेश कर दूं, लेट से दिस वॉज हॉरिजॉन्टल बट द फोर्स दैट यू अप्लाइड वॉज एट एन एंगल इट सेल्फ। एग्जामिनर मुझे बोलता है भाई आप बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये रॉड की लेंथ होगी? तो नहीं, रॉड की लेंथ इज नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? इवन हालांकि दिस वुड या दिस माइट वुड हैव बीन गिवन टू यू, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल मत कीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस फोर्स की लाइन को करता हूं एक्सटेंड। ये मैंने आर्टिफिशियल एक्सटेंड किया है इसे, क्योंकि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, मैंने उसकी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स।
ये आपकी फोर्स की लाइन है कि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। आपका जो टॉर्क होगा ना बेटा, ये मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए जो आप डिस्टेंस सेलेक्ट करोगे वो ये वाला होगा। एक ऐसा डिस्टेंस जो आपके फोर्स की लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, आपने वो डिस्टेंस सेलेक्ट करना है। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यू माइट गेट क्वेश्चन इन योर पेपर वेर यू हैव टू मार्क, सही, वेर यू हैव टू मार्क और सेलेक्ट इन डिफरेंट ऑप्शंस के किस डिस्टेंस को एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रीट किया जाए। यस मेरे बच्चे, इट शुड ऑलवेज बी 90 डिग्री, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर द वर्ड वॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री वाला एंगल। इस क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होता है आपके पास, दैट एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर्स, क्योंकि फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में। एंड दिस क्वांटिटी माय डियर वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें फोर्स भी है और आपके पास इसकी डायरेक्शन भी होगी। हम वो लेवल्स में इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, लेकिन आगे जब आप जाओगे तो आपको इसकी एक्चुअल डायरेक्शन सिखाई जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती थी भाई? जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक चलती है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीजों में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इस मोमेंट के बारे में आप एक चीज देखते हो कि इसका डिस्टेंस के साथ जो है ना टॉर्क का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। फोर्स इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आप जितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते। नहीं मेरे बच्चे, मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज द सेम थिंग फॉर यू। द ग्रेटर द डिस्टेंस द लार्जर is the torque produced. See, you see the wrenches over there, aapke paas kuch wrenches wagaira hote hain, sahi hai, ya kabhi bhi aapko koi cheez rotate karni hoti hai, hamesha koshish karte ho distance badha do. Jitna zyada distance aap rakhoge aapke paas utna zyada turning effect produce hoga, kyunki kisi cheez ko open ya close karne ke liye rotation mein force ki nahi torque ki zarurat padti. अगर आप किसी चीज को ओपन या क्लोज करना चाहते हैं, सही है, तो आपको उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, आपको उसके लिए टॉर्क की जरूरत होती है। दरवाजे को आप ओपन या क्लोज करना चाहते हो, आपको टॉर्क चाहिए। आप किसी बॉटल के कैप को ओपन या क्लोज करना चाहते हो, आपको टॉर्क चाहिए, क्योंकि आप फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा तो कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी को बोलूँ कि भाई आपको डोर ओपन करना है, एक डोर का हैंडल कॉर्नर में है और ये उसके हिंजेस लगे हुए, और दूसरे बंदे को बोलता भाई आपने डोर ओपन करना है, उसका डोर का हैंडल बीच में लगा, सही। तो इसमें डोर ओपन करना आसान है, इसमें डोर को ओपन करना मुश्किल है। क्या आप अगर दरमियान से होल्ड करके एक डोर ओपन या क्लोज करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा मुश्किल होगी। अब जितने नजदीक आओगे हिंजेस के, आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा डोर ओपन या क्लोज करना। तो आपकी फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई,
क्योंकि जब आपने डिस्टेंस को कम किया तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है ताकि आप उसको ओपन करने के लिए जितना टॉर्क चाहिए था आप प्रोड्यूस कर सकें। इसीलिए जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आपका टॉर्क इंक्रीज होता है और आप कम फोर्स से भी किसी चीज को ओपन या क्लोज करने का काम कर सकते हैं। आपको ज्यादा ताकत या जोर आजमाई करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आपके पास जितने भी नट को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स हो गए या आपके रंचेज हो गए, उन सब के साथ एक एक्सटेंडेड आर्म होता है। एक्सटेंडेड आर्म होता ही इसलिए ताकि आपके लिए आसानी हो उसको रोटेट करने में, आप ज्यादा आसानी से उसको टाइटन या लूजन कर सकते। तो यहां पे अगर मेरे ऑब्जेक्ट पे लगाई थी मैंने 100 न्यूटन की फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 0.4 मीटर्स का, सही, और उसके बाद जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा के कर दिया 0.6 मीटर्स का, तो आप देख सकते हो कि जो पहली मर्तबा आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे ये आएगा 40 न्यूटन मीटर, और इसी तरीके से आप दूसरी मर्तबा जो टॉर्क कैलकुलेट करोगे वो आएगा 60 न्यूटन मीटर। आपने डिस्टेंस बढ़ाया आपका टॉर्क इंक्रीज हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप जितनी ज्यादा डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इसको भी मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले यहां तक मैं आपसे पूछूंगा, कोई अगर प्रॉब्लम है कोई बात समझ नहीं आई भी तो मुझसे पूछ लो। बिल्कुल, हिंज से लेके डो हैंड तक का डिस्टेंस होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसी के जहन में कोई सवाल है तो बात अगर वो पूछना चाहता है, ये चीज मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको कि जब आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो आप कम फोर्स से भी उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हाउ विल इट बी 90 डिग्रीज? अच्छा देखो, डोर को टॉप से ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो यही आपका डोर है लेकिन यू लुकिंग एट इट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देख रहे हो दरवाजे को, सही। तो आप अगर हैंडल पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करोगे और ये आपके हिंजेस थे तो ये हो गया ना 90 डिग्री का एंगल आपके पास। और अगर फ्रंट से देखते हो तो फ्रंट से ये आपके पास हिंजेस है, ये डोर है, ये आपके पास अगर आपने फोर्स अप्लाई की, थोड़ा 3D करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे बच्चे आपके पास उसके दरमियान में और हिंजेस के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल आ गया और आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये डोर ओपन, हारेस कौन सी डायग्राम बेटा पूछो। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है ना, दैट डायग्राम इज बेसिकली टू टेल यू कि अगर तुम्हारे पास फोर्स बिल्कुल यानी कह लो कि एंगल पे लग जाती, सही, मैं फोर्स स्ट्रेट ना लगाता, मैं फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई कर देता अगर, तो उस केस में मेरे पास जो डिस्टेंस होता है वो मेरे रॉड की लेंथ थोड़ी होती, उस केस में मेरे पास जो डिस्टेंस होता, दैट डिस्टेंस हैड टू बी कैलकुलेटेड एंड दिस वुड हैव बीन एट सम अदर एंगल, क्योंकि उसको मेरे फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाना है। अब फोर्स की लाइन को हम लंबा करके चेक कर सकते हैं कि भाई पिवट से कौन सी ऐसी लाइन बनाई जाए जिसका एंगल आपके पास
फोर्स से 90 डिग्री हो जाए, बस उस लाइन का जो की जो लेंथ होगी वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठहरेगा। अब बेटा हम बात करते हैं उस अगले प्रिंसिपल के ऊपर जो मैंने कहा था कि फॉर द सेम टॉर्क फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इनवर्स का रिलेशन, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इनवर्स का रिलेशन ये बात समझाता है कि अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे the required perpendicular distance falls. Oh, sorry, inverse लिख रहा था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, लेट अस प्रूव कि भाई एग्जाम्पल ये कहती है कि भाई इफ द टॉर्क नीडेड फॉर समथिंग टू एक्चुअली रोटेट इज फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन मीटर्स, अगर दरवाजा खोलने के लिए आपको 20 न्यूटन मीटर के टॉर्क लगाने की जरूरत है, देन हम ये कह सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कम रखते हैं, अगर आप 0.2 मीटर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इक्वल्स एफ टाइम्स डी, मैं कह सकता हूं भाई 20 की जरूरत थी, द फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने 0.2 रखा, so that will be 200 upon 2, yani you will need 100 newton force. Lekin agar aap perpendicular distance badha dete ho, see aap perpendicular distance badha dete ho, ki main isko badha ke 0.4 se 0.2 se 0.4 meters ya 0.6 meters kar deta, तो टॉर्क तो 20 ही चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो जो मेरी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इफ आई कैन कैलकुलेट ओवर हियर, दैट इज 33.3 न्यूटन्स। सो यू सी कि जब आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो आपकी रिक्वायर्ड फोर्स कम हो गई, आपने डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज किया, आपकी रिक्वायर्ड फोर्स 3 टाइम्स डिक्रीज हुई। जितने टाइम्स आपके डिस्टेंस में इजाफा हुआ उतने ही टाइम्स आपकी फोर्स में रिडक्शन, यू हैड टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क। इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले।
अच्छा अब हम एक चीज आपको सिखाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या हम आसान अल्फाज में बोले सेंटर ऑफ मास। ओ लेवल्स में तो खैर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी एक ही जगह है, लेकिन आगे जाके इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब आप इसको डिफाइन करते हो आप ये कहते हो कि इट्स द पॉइंट एट विच the whole weight of the body appears to act. से एक ऐसी जगह जहां पे ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट का सारा वेट वहीं लग रहा है, और जो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जगह उनके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर में एग्जिस्ट करती है, जो उनके शेप के लिहाज से उनका मिडिल होता है, वहां पे आपकी सारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स as in the very middle, जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हो, और at the geometric center of the shape. Let me give you an example. If the shape is a square, सही, तो इसके बिल्कुल मिडिल में that's the very middle of it. So yahan pe aapke paas uski center of gravity hai bilkul beech mein. If it would have been a rectangle for us, इसी तरह जहां उनके डायगनल्स कट कर रहे हैं एक दूसरे से, यहां पे आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ये भी इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है। Similarly, if it would have been a circle, इस सर्कल के बीच में हम बात करें, अच्छा पता है ट्रायंगल के लिए ये जगह थोड़ा सा बेस के नजदीक होती है। अगर ट्रायंगल में मैं डायगनल्स बनाऊं इट्स नॉट द वेरी मिडल, it's actually slightly below.
क्योंकि इस ट्राइंगल में नीचे वाली साइड थोड़ी ज्यादा होती है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आती है। स्लाइटली क्लोजर द सेंटर टू द बेस। और पता ही इन जगहों पर होने का इसका रीजन क्या है, इसके बैकग्राउंड में इसका रीजन ये है कि बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कहा था ना कि अपेयर्स टू एक्ट। अपेयर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सारा मास है बीच में बाकी जगह खाली है, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि उस पॉइंट के अबाउट आपका मास इतने स्मूथली स्प्रेड हुआ हुआ होता है कि जितना मास बैक पे है उतना फ्रंट पे, जितना राइट पे उतना लेफ्ट पे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीच में। क्या अगर आप वहां से उसको बैलेंस करने की कोशिश करो तो वो गिरता ही नहीं। हम कहते हैं द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल साइड्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये इसकी खास बात है। Equally distributed all on all the sides. और वही उसका सारा वेट लगता है। इसीलिए तो ये होता है कि अगर आप किसी रॉड को आप सेंटर से ग्रिप करो और उसी रॉड को आप किसी एंड से ग्रिप करो तो आप उसमें फर्क देखते हो कि आपके लिए उसको होल्ड करना एक तो मुश्किल भी होता है और जितना आप दूर लेते हुए जाएंगे अपने ग्रिपिंग पॉइंट को उतना मुश्किल आपके लिए वो बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे मिसाल दूं, अगर पिवट बिल्कुल बीच में लगा दिया जाता एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है कि मास उसमें हर जगह बराबर बटा हुआ है। जहां कहीं यूनिफॉर्म कवर्ड देखो समझ जाना इस बात को कि भाई मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका वेट बिल्कुल उसके बीच में होगा। तो यहां पे अगर तुम पिवट को बेटा बिल्कुल बीच में लगा दो ठीक है, और ये इसका वेट था, टेन न्यूटन के बराबर, तुम्हारे पास टॉर्क ही नहीं आएगा क्योंकि जब आप टॉर्क निकालने जाओगे इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे, फोर्स तो है 10, डिस्टेंस ही नहीं है आपके पास, तो आपका टॉर्क हो गया 0, इसलिए वो चीज ना राइट गिरेगी ना लेफ्ट। हम कहेंगे भाई वो बैलेंस हो गई। लेकिन मेरे बच्चे अगर यही काम मैं करता और पिवट को थोड़ा सा मैं एक साइड पे ले जाता इधर ले आया, जैसे रॉड को मैंने बीच से नहीं पकड़ा, रॉड को मैंने थोड़ा सा पीछे से पकड़ा, अब मुझे लगेगा यार ये रॉड भारी है, ये मुझसे गिर रही है, मेरा हाथ जो है ना उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। इस बार वी डू हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। बहुत थोड़ा ही सही है, तो अगर मैं बोलता हूँ यार सिर्फ 0.4 मीटर्स का डिस्टेंस क्रिएट हुआ है भाई, ये चलो 0.2 मीटर्स। अब अगर मुझे कोई बोलता है सर टॉर्क आएगा, मैं बोला बिल्कुल आएगा भाई,
आपने उसको कॉर्नर से थोड़ा ग्रिप करने की कोशिश की है. एग्जैक्टली, इट्स एग्जैक्टली द सेम एज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट बैट. क्रिकेट बैट को आप उसके हैंडल से पकड़ते हो ना, सीधा रखने की बहुत देर तक कोशिश नहीं करते. थोड़ी देर तक आप शो मारोगे, यहाँ पे मैंने सिक्स मारा है, तो ये थोड़ी देर तक आप बैट लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद नीचे खेलेंगे. क्योंकि आपको बोलो यार हमें हमें पांच मिनट तक आप बैट ऐसे करके रखे रहे उसको पूरा स्ट्रेट ना, तो आप नहीं कर सकते उस चीज. इवन आप अपने आर्म्स को, अगर मैं बोलूँ ना भाई, आप बोलते हैं मुझे बहुत ताकत है, मैं बोलूंगा अपने आर्म्स को आगे की तरह स्ट्रेच्ड आउट करके रखो, एक मिनट से ज्यादा बस. अब एक मिनट से ज्यादा के बाद आप अपने अपने आर्म्स को ना भारी होता हुआ फील कर रहे हो, क्योंकि थोड़े तक तो तुम्हारे मसल में जान होती है, उसके बाद जब मसल थोड़ा एग्जॉस्ट होना शुरू होते हैं ना, तो तुम्हारे आर्म का जो वजन है तुम्हें गिराना चाहता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इसमें 0.2 था, टॉर्क आया हमारे पास, ये टॉर्क आ गया हमारा 2 न्यूटन मीटर. मेरे पास रोटेशन आएगी भैया, और रोटेशन भी आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मेरा जो ये आर्म है ये नीचे की तरफ गिरने का कोशिश कर, क्लॉकवाइज. और आप जितना दूर लेके जाओगे अपने आर्म को सेंटर से, आपके लिए होल्ड करना उतना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आपका टॉर्क उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा. यहां तक किसी को कोई बात समझनी है, कुछ ना समझ में आया, कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ. बोलो हारिस, हाउ डू वी फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलेशन. पढ़ाया ही मैंने अब तक, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना बेटा. अगर और किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ. आगे बढ़ जाओ भाई. तो सिलसिला ये था कि रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स या यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर, अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब ये निकला था कि सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली इन द मिडल. लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है, सही, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब है मास हर जगह बराबर नहीं है.
मास ऑफ बॉडी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑन ऑल साइड्स। तो उस वक्त ये होता है कि तुम्हारे पास जो जो इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है ना, वो उस साइड पे चली जाती है जहां मास ज्यादा। लोकेशन ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास shifts to the region where mass is greater. सेंटर ऑफ मास फिर उस जगह मिलेगा जहां तुम्हारे पास मास की वैल्यू कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, जिस जगह पे मास ज्यादा हो। मैं इसकी मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल करो कि एक तुम्हारे पास कंटेनर था, कंटेनर एम्प्टी था, मेटल शेटल का कुछ बना, बिल्कुल एम्प्टी, एक नॉर्मल सा बॉक्स, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल दरमियान में आ रहा हो, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर अभी इसके अंदर में पानी भर दूं, ठीक, इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर फिल कर देते, आधा इसको भर दिया पानी, पानी भरने से होगा ये, क्योंकि अब नीचे की तरफ मास इसका ज्यादा हो गया, तो अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं, थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अब उस जगह होगी जहां तुम्हारे पास मास की क्वांटिटी ज्यादा हो, पानी के मिडल में नहीं। लाजिम बात है, ऑब्जेक्ट का अपना मास भी है, थोड़ा सा मास ऊपर भी मौजूद है, ये वाला जो आपके बॉडी का अपना मास है, आपकी बॉटल का थोड़ा सा मास अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो जो नीचे आपने वाटर फिल किया है, तो वाटर के फिल करने से आपको ये चीज नजर आए कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो गई। क्यों? ड्यू टू मोर मास एट बॉटम। मास बॉटम पे ज्यादा था, इसलिए सेंटर ऑफ मास वहां चला गया। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा शिफ्ट करता है उस साइड पे जहां पे आपके पास मास की क्वांटिटी ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारी चीजों को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम नीचे से उनको भारी बनाते हैं। भी आगे आप इस चीज को देखोगे, स्टेबिलिटी से इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। इसी तरह अगर कोई इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता, to determine the location of an irregular shaped object, plumb line experiment ka istemal karte hain. आप प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, ये मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज जो मैंने अब तक पढ़ा है उसको मैं अपलोड कर देता हूं एज पीडीएफ, ताकि आप लोगों के पास उसका एक्सेस हो।
ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप अपने पास कॉपी वगैरह भी कर लेना, ये लिंक आपके पास मौजूद होगा ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को मजीद आगे लेके चलेंगे। ख्याल रखना आप लोग अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।